नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों, कल यहाँ तक कि हमारा चैप्टर चल रहा था जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम था जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। दोस्तों, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है 2019 के एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, पूरा अच्छे से हमारा ये वीडियो देखते रहिएगा। कल वाले वीडियो में मैंने बहुविकल्पी कंप्लीट कर दिए थे और अति लघु कंप्लीट कर दिए थे। आज वाले वीडियो में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, कल एक हमसे अति लघु छूट गया था, वो अति लघु ये वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु। केवल एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पूरा अच्छे से वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, एक अति लघु जो हमसे कल छूट गया था वो ये वाला है, जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए 2017 में आया था, 2018 में भी दो नंबर का आया था। इसलिए मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ये सब आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर सेम इसी तरह लिखा मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर, जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, जीनी चिकित्सा द्वारा अनुवांशिक रोग दूर किए जा सकते हैं। नंबर दो, मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। ये इसका सही आंसर है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमसे कल छूट गया था, तो आज ये देख लीजिए। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। दो तो ये सब आपको हमारे पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जल्दी जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और वहां से पढ़ लेना और अच्छे से लर्न कर लेना और अपनी ओम ट्रिक्स वाली कॉपी में लिख लेना। अब यहाँ अति लघु कंप्लीट हो गए हैं, लघु की तरफ चलते हैं। पहला लघु है यहाँ पे, जो लघु क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 2 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल बायोलॉजी में तो यहाँ पे 2 नंबर के पूछे जाने हैं कुछ, और जो 4 नंबर के वाले पूछे जाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर वाले हैं, प्लाज्मिड्स क्या होता है, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता क्या है। दोस्तों, इसका मुझे इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पे ही देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन के साइड में लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, 2009, 7, 16, 11, 8, 7, 10, 12, 10, 11, 19 और सॉरी 19 नहीं 9, ये यहां तक इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी किस्मत में रहा तो यहाँ 9 लिखा है, 9 की जगह 19 में हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अच्छे से ये क्वेश्चन देखते रहिएगा, इसका थोड़ा आंसर बड़ा है, बट बायोलॉजी सब्जेक्ट ही है ज्यादा लर्न करने वाला, बायोलॉजी नाम ही है मतलब ज्यादा लर्न करने वाला, यहाँ पे आपको लर्न ज्यादा करना पड़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको 4 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला प्रकार है प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता क्या है। दूसरा, यहाँ पे अथवा लग के पूछा जा सकता है, प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनके उपयोग कहाँ होता है। नेक्स्ट, अथवा यहाँ पे प्लाज्मिड के 4 प्रमुख गुण लिखिए, और नेक्स्ट यहाँ पे प्लाज्मिड की व्याख्या कीजिए और उपयोग बताइए। इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, यही चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप यहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ से डीएनए की समरूपता, क्लोनिंग, समरूपता को इंग्लिश में क्लोनिंग बोलते हैं, केवल दूसरे ऐसे डीएनए अणु द्वारा संभव होती है। यहां से आप लिखना शुरू करोगे और यहाँ पे मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ पे आप आओगे यहाँ पे खत्म कर दोगे, मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर यहां से लेकर के यहां तक होगा। ठीक है, प्रमुख गुण भी दिए गए हैं और जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि इनके उपयोग कहाँ है, उपयोग भी दिए गए हैं, गुण भी दिए गए हैं और यहाँ पे परिभाषा भी दी गई है। ये तीनों चीजें आप अगर पूरी लिख दोगे कॉपी में अच्छे अच्छी राइटिंग में, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सब हमारा पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चले जाना वहां से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीनी रूपांतरित जीव, जीएमओ जिसको बोलते हैं, जीनी रूपांतरित जीव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जीएमओ क्या है। मनुष्य में भोजन में किए जाने वाले किन्हीं 2 जीएमओ पदार्थों के नाम बताइए। दोस्तों, जीएमओ पदार्थों के यहाँ पे नाम बताना, जिसे ट्रांसजीनिक जीन होते हैं उसी तरह जीएमओ जीन भी होते हैं। ई कोली के अनुसार इनको विभागों में कई अर्थों में बांटा गया है। पहला अर्थ है जीएमओ, दूसरा अर्थ है होमोलिन और तीसरा अर्थ है यहाँ पे ट्रांसजीन। ये हैं तीनों अलग अलग। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ। पिछला वाला अगर वीडियो नहीं देखोगे तो यहाँ पे आप कुछ समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वीडियो आ रहा है एक ही चैप्टर का। यहाँ पे एक चैप्टर की कम से कम 3-3, 4-4 वीडियो बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन शुरू करोगे, जीनी रूपांतरित जीव जीएमओ क्या होता है। ठीक है, मनुष्य के भोजन में किए जाने वाले किन्हीं 2 जीएमओ पदार्थों के नाम बताएं, यानी कि मनुष्य के जो भोजन होता है उसमें पाए जाने वाले किन्हीं 2 जीएमओ के नाम बताइए। यहाँ पे नाम भी बताया गया है
और पूरा समझाया भी गया आपको। और अथवा करके यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, परजीनी जीवाणु क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहां से ये पूछा जाना है। ओके दैट्स इट। तो इसका आंसर आप यहां तक लिखोगे, पिछले वाले पन्ने में जरा पलट के देख लो, इसका आंसर और आगे तो नहीं है, यही मैं आपका टिक लगवा दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे इसका आंसर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है, आप यहां से लेकर के यहां से, ठीक है, जब विजातीय किसी जीन को किसी कोशिका अथवा जीव में डाला जाता है, यहां से शुरू करोगे और यहां तक खत्म कर दोगे। बीटी बैंगन, फ्लेवर, सेवर, टमाटर, सुनहरी, ध्यान, धान, ठीक है, आदि, यहां पर खत्म कर दोगे। तो इसका आंसर यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक। ये सब आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में एकदम जबरदस्त क्वालिटी में लिखा लिखा एकदम साफ सुथरा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, वहां पर जाकर के एकदम लिखा लिखाया जबरदस्त तरीके से वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखते हैं कौन से वेरी इंपॉर्टेंट लगा है। यहाँ पे याले क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा, सब क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, एक चैप्टर के देख रहे होगे आप। इस पे टिक नहीं लगा, क्यों नहीं टिक लगा? इस पे टिक लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे टिक लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनके चांसेस है 90-85% आने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु की रचना के दो महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे ट्रांसजेनिक जंतु, परजीनी चूहे, इसे यहाँ पे समझाया गया है। ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उत्तर कहाँ से शुरू होगा उसका? उत्तर यहाँ से शुरू होगा, ऐसे जंतु जिन्हें उनके अनुवांशिक संगठन में अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित करके विकसित किया जाता है। अनुवांशिकता रूपांतरित जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। पारजीनी तथा ट्रांसजेनिक जंतु को निम्न तीन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कौन सी तीन विधियां हैं? यहाँ पे डीएनए माइक्रोन जंक्शन, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, और थर्ड है यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये हैं तीन, मेडिएटेड यानी कि भ्रूणीय स्टेम कोशिका मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण, मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण, ठीक है, और ऊपर वाली है रेट्रो विषाणु मध्य स्थीय जीन स्थानांतरण, और सबसे फर्स्ट है यहाँ पे सूक्ष्म इंजेक्शन यानी कि डीएनए माइक्रो इंजेक्शन यहाँ पे होगा। ये तीनों चीजों द्वारा इनको प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों चीजें आपको अपने इस क्वेश्चन में लिखनी है, तो तीनों चीजें ऐसे ही सेम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इसका यहाँ से शुरू है और यहाँ चित्र के साथ इसका आंसर यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको ऊपर से लेकर के यहां तक लिख देना और ये चित्र बना देना जैसा यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, चित्र नहीं बनाओगे तो एक नंबर काट लिया जाएगा, ये भी बता दूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बीटी फसलें क्या है, इनके महत्वपूर्ण का वर्णन कीजिए। बीटी फसलें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन एंड बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम कंसंट्रेट करके क्वेश्चन देख लीजिएगा और एकदम लर्न करने की ज्यादा से ज्यादा एकदम रट लीजिएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, बीटी फसलें क्या है, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। दोस्तों 2018 में भी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में आने के 82-95 चांसेस हैं परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ से आप शुरू करोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ खत्म करोगे। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। बीटी फसलें, बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बैसिलस थुरिएंजिसिस और बीटी। बैसिलस थुरिएंजिसिस कभी कभी दोस्तों एक नंबर में आपसे पूछ लेता है बीटी का फुल फॉर्म लिखिए, तो आप बीटी का फुल फॉर्म लिखोगे बैसिलस थुरिएंजिसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिएंजिसिस यहाँ पे आप इसका नाम लिखोगे, पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैसिलस थुरिएंजिसिस, इसको पूरा बोलते हैं बीटी को। तो अगर आपसे एक नंबर में इसको पूछ लेता है तो आप एक नंबर में उसी टिक लगा दीजिएगा जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे बीटी को फुल फॉर्म है यहाँ पे बैसिलस थुरिएंजिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहां से उत्तर शुरू करोगे, बीटी फसलें एक प्रकार का प्रतिविष है जो विषाणु बैसिलस थुरिएंजिसिस से निर्मित होता है। यहां से आप शुरू करोगे, यहां पर खत्म कर दोगे, प्रतिरोधी बन जाते हैं। ठीक है, ये उत्तर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, स्वास्थ्य की देखभाल में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, अनुप्रयोग भी लिखना है और यहाँ पे मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखना, और ऊपर वाले में क्या पूछ रहा है कि उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको एक साथ दिखानी है, दर्शानी है। तो ये है इसका सही आंसर, स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी मानव रोगों द्वारा रोगों के उपचार के
विशेष योगदान है जो निम्नलिखित है। नंबर एक है टीका, जिसे बोलते हैं वैक्सीन, ठीक है, उत्पाद में। सेकंड है यहाँ पे स्टीराइड तथा इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में। थर्ड है यहाँ पे गर्भावस्था के रोग की जानकारी होना। और यहाँ पे फोर्थ है एड्स, बी थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि रोगों को पहचानने में भी जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान है। ये इसका सही आंसर है। तो यहां से उत्तर, यहां से लेकर के यहां तक आप लिख दोगे, ठीक है, यहां से आप एकदम खत्म कर दोगे। तो यहां तक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, किसी अलग बुक में सर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल ओम ट्रिक्स से जो इंपॉर्टेंट अपलोड होते रहे उन्हें पढ़ते रहिए, रटते रहिए, सब एकदम अच्छे से लर्न होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो चलते हैं दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे वीडियो 10 मिनट का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीन चिकित्सा क्या होता है। जीन चिकित्सा क्या है? एडीनोसिन डी एमिनोनेज एमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका वर्णन कीजिए। जीन चिकित्सा क्या है, सबसे पहली बात। सेकेंड है यहाँ पे एडीनोसिन डी एमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका वर्णन कीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों, यहां से आप शुरू करोगे और यहाँ पे खत्म कर दोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन चिकित्सा, यहाँ से आप शुरू करना, जीन चिकित्सा जीन थेरेपैथी के अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीव, यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक लिखने लगना। देने से भी स्थायी उपचार हो जाता है, देने से भी स्थायी उपचार हो जाता है, यहाँ खत्म कर देना। दोस्तों यहां तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके और वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल को अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों ये चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड डाले अच्छे से इस चैनल पर विजिट करते रहना। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एकदम जबरदस्त तरीके से हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर तैयारी चल रही है यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड 2019 की। तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और नए दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिलहाल दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।